गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है डेविड लाइफ। और हिंदी में बोले तो आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है डेविड लाइफ। और जैसे कि पिछले व्लॉग में हम लोग पेंट कर रहे थे, पापा और मैं, पूरा दिखा नहीं पाया था घर कैसा दिख रहा, बट आप लोग देख सकते हो ग्रीन ग्रीन हल्का सा, बट मैं दिखा देता हूँ। देखो ये मतलब हमारा घर पहले से तो ठीक ही हो गया है, पहले से ही मैं इसके काफ़ी ज़्यादा ठीक है। पहले तो ऐसा लगता था कि मुझे जैसे कि मैं किसी वैसे जगह पे आएगा शूट करने जहाँ पे हॉरर मूवी शूट होती है, घर ऐसा लगता था हम लोगों का। बट अभी फिलहाल तो ठीक है, देखो कितना मस्त मस्त लग रहा है। और इस वीडियो में मैं अपने पापा को एक चीज़ देने वाला हूँ, नहीं देने की औकात नहीं है, पुराना ही सही, बट फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ, तो आप लोगों को देखना है वो क्या चीज़ है। व्लॉग ही बने रहो तो आपको पता चल जाएगी वो क्या चीज़ है, मैं क्या देने वाला हूँ। और सामान लेने के लिए जा रहा हूँ जो पापा को चाहिए, और बोलते हैं मेरे पास जो होना चाहिए बट उनके पास हाँ, लेकिन वो टूट गया उनसे, बट अब मैं चाहता हूँ कि उनको मैं अपने साइड से दूँ, नए लेने की औकात नहीं है, पुराने देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ लेने के लिए, और उससे पहले थोड़ा पेट पूजा कर लूँ, भूख भी लग गया, तो बने रहो ब्लॉग में, देखा लास्ट वो क्या चीज़ है। तो गाइस फाइनली मैं आप लोगों को बता देता हूँ मैं क्या सामान लेने के लिए आ रहा हूँ। मैं पापा के लिए फ़ोन लेने के लिए आया हूँ, और मैंने कल ओएलएक्स में सर्च किया था फ़ोन कि मुझे पापा को फ़ोन देना चाहिए, उनके पास है नहीं, सिर्फ घर पे मेरे पास फ़ोन है और किसी के पास फ़ोन नहीं है। पापा के पास कीपैड फ़ोन था, बट मैं सोचा कि देना चाहिए उनको, तो इसलिए मैं पापा के लिए ओएलएक्स से फ़ोन बाय करने के लिए आया हूँ। बायो जो भी बोलते हैं यार, खरीदने आया हूँ मीन्स हिंदी में बोले तो भाई वो भी आ रहा है, मैं उनसे लूँगा और पापा को दूंगा। नया तो दे नहीं सकता अभी क्योंकि खुद की कंडीशन इतनी ख़राब है कि क्या बताऊँ, बट जैसा भी हो सकता है पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं मास्क लगा के घूमता हूँ यार, ठीक है, कोई गाली मत देना कमेंट बॉक्स में प्लीज़। सो गाइस अभी मैं यहीं से गया था थोड़ी देर पहले, घूम फिर के मुझे यहीं पर आना पड़ा क्योंकि जो मुझे फ़ोन लेना था वो भाई ये है। आपका नाम क्या ब्रदर? सूजन। सूजल। सूजल, अच्छा। तो भाई का नाम सूजल है, और मैंने इन्हीं भाई से फ़ोन लिया है जो मेरे हाथ में, मैं उसे शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्चुअली फ़ोन बंद हो गया, बैटरी नहीं था फ़ोन पे, इसलिए तो अपन भाई को पे करते वापस घर चलते हैं, बाद में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। सो गाइस मैं फ़ोन लिया है बाय करके, अब जो भी बोलते हो बाय बायो यार, मेरे को इतना नहीं आता बोलना, जो भी बोलते हैं इसको बायो करना, बाय करना, कुछ भी करना। तो मैं खरीद के ले आया भाई से फ़ोन, आपको मैंने दिखाया उस बंदे को अभी थोड़ी देर पहले, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा फ़ोन है। तो गाइस ये फ़ोन है, देखो ये मोटरोला है, मोटरोला ये मेरे को ठीक लगा, इसकी कंडीशन भी ठीक थी, इसके बॉडी पार्ट भी ठीक है, और अंदर पंजर भी ठीक है, अंदर से लेके बाहर तक पूरा ठीक है, सब कुछ ठीक है, मुझे ठीक लगा ये फ़ोन। मैं सोचा कि ये देना बेस्ट रहेगा, और पुराना ही दे सकता हूँ, नया तो दे नहीं सकता क्योंकि अभी कंडीशन इतनी ख़राब है कि क्या होता हूँ मैं आपको। इसके बावजूद भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ अपने साइड से पापा को दे सकूँ कुछ। और मैंने इसके साथ साथ और भी कुछ लिया, आपको दिखाता हूँ क्या है। तो इसके साथ साथ मैंने लिया ये पावर बैंक, ये मैंने नया लिया है क्योंकि मेरे को ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा, तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि अंदर से कैसा दिखता है, और इसका आपको प्राइस भी बताऊँ कितने का है। तो गाइस ये पावर बैंक है, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि मेरे को छोटी चीज़ें बहुत पसंद है, और ये मेरे को पड़ा 1000 का पड़ा मेरे को। देखो इसमें बैटरी लिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है कि 72% बैटरी है इसमें, और ये 10000 mAh का है क्योंकि ये हमें ज़रूरत था इसलिए मैंने लिया। एक्चुअली आज तक तो मेरे को भी किसी बोलो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरा फ़ोन काम चल जाता था, लेकिन अभी हम लोग जो कहीं जाने वाले बाहर, वो सरप्राइज है आप लोगों के लिए, उसके ऊपर मैं एक ब्लॉग बनाने वाला हूँ, वो इसी लिए मैंने खरीदा कि अगर हम लोग बाहर जाते तो हमें चार्ज करने का पॉइंट नहीं मिलेगा जगह जगह पे, तो हम लोग चार्ज कहाँ से करेंगे। तो मैंने इसलिए पावर बैंक लिया कि हम लोग उस सिचुएशन पर इस पावर बैंक से हेल्प ले सकते हैं, अपनी अपनी फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, हम शूट कर सकते हैं कुछ भी। तो ये मैंने क्यों लिया,
वो आपको आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा कि मैंने ये पावर बैंक क्यों लिया। और ये मेरे को पड़ा 1000 का, अकेले बोल रहा हूँ, 10,000 mAh का बैटरी है, 10,000 mAh का पावर बैंक है, मैं बैटरी बोल रहा हूँ सॉरी। और मैंने इसी के साथ लिया था अपना डाटा केबल, आईफोन का आईपैड बोलने वाला था अभी गलती से, आईफोन का मैंने डाटा केबल लिया। इसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मेरा चार्ज नहीं होता था फ़ोन और बहुत जल्दी ऑफ हो जाता था। साथ साथ मैंने एक ईयरफोन भी लिया है जो कि मेरे को पावर बैंक के साथ फ्री मिला। ये मैंने कोई खरीदा नहीं है, पावर बैंक के साथ मेरे को फ्री मिला ये चीज़, बट मेरा काम आसान हो गया, लेकिन हेडफोन की भी ज़रूरत थी, हेडफोन भी मिल गया। तो पापा तो अब आ ही रहे हैं, पापा आते हैं फिर हम लोग पापा को देंगे सामान। मैं इसके पापा को फोन दूंगा, उनके रिएक्शन देखते क्या होगा। मुझे नहीं लगता उनके रिएक्शन होंगे, उनके रिएक्शन कभी रहते ही नहीं है, कभी किसी चीज़ पर लेकिन उनके रिएक्शन नहीं हुए कभी भी नहीं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उनके रिएक्शन नहीं होते सब। तो आएंगे फिर मैं उनको दूंगा, आप लोग देख रहे उनके रिएक्शन क्या होते। तो बने रहो ब्लॉग। 1 hour later hey guys, पापा को वेट कर रहा हूँ, जब से पता नहीं कहाँ गए हैं, किधर गए हैं, आते ही नहीं यार। अभी जाओ यार। हाँ बाहर क्या कर रहे हो, बैठे हैं बच्चों के साथ, हम भी आपके बच्चा हमारा बैठे तो जाते। हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हो, उम्मीद करते हैं अच्छा ही होगा, ठीक ही होगा, स्वास्थ्य होगा, खुशी होंगे, मस्त सुखी रहेंगे, सब मस्त है। और ये ला देना आपके लिए कुछ। अच्छा ये फोन लाया, नए देने को औकात नहीं है आपको, पुराने देके काम चल रहा है क्या करें। तो दोस्तों ये सेकेंड हैंड फोन जो मेरे बेटे ने आज ला के दिया है, देखने में तो अच्छा है, अब चला के देखते हैं कैसा है, सही चलता है नहीं चलता है, जो भी हो ला के तो दिया है मुझे, मतलब एक दो लाइन गाना सीखने या सुनने को तो आसान हो गया बस। तो मैं आप सबके लिए हमेशा की तरह दो लाइन गाना सुनाना चाहता हूँ। बहुत दोस्त जुड़ लिखे बिना गाने के पापा, तो आइए शुरू करते हैं। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले ये झुके शाम ढले, कि मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों की तले, तेरे आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरे आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू बच्चों, बाय बाय। नाइस नाइस नाइस, अच्छा देखने में तो अच्छा लग रहा है। अपना बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको अच्छा लगा, और मेरे को पता था ना, मेरे को पता था कि पापा रिएक्शन नहीं देते कोई भी, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि रिएक्शन नहीं देते पापा, पता नहीं क्यों सारे, मुझे नहीं पता क्यों रिएक्शन देना नहीं आता इनको। तो अभी मैं पापा से मिल गया, पापा ने फोन दे दिया, और अब मैं एक दिन में 2 सरप्राइज मैंने प्लान किया था एक पापा को, ये दूंगा, कोई रिएक्शन नहीं, मुझे पता था नहीं मिलेगा। तो और अभी एक सरप्राइज और है आप लोगों के लिए, वो आप बने रहो, आपको इसी वीडियो पता चलेगा क्या सरप्राइज है। रिएक्शन ये है, तुमने जो फोन ला के दिया मुझे खुशी है, सुखी रहो खुश रहो, धन्यवाद। तो बस बहुत देर में निकला, अपने मकसद पे कामयाबी हो, बहुत देर में निकला सर। तो मैं जा रहा हूँ, जो सरप्राइज है उसे आप देखना हो क्या सरप्राइज है। A few moments later. तो गाइज अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से किसी के घर, लेकिन वो बताऊँगा इसी व्लॉग में कि किसके घर जा रहा हूँ, तो वो भी सरप्राइज हो जाएगा कि कैसे
यहाँ पे कैसे अचानक से, क्योंकि मैंने बताया नहीं कि मैं आ रहा हूँ इसलिए, तो देखते रहो कौन इंसान है। सरप्राइज। 1 hour later तो वैसे मैं आ गया, उन्होंने पता ही नहीं कि मैं इनके घर पर आ गया। मैंने अपना फ़ोन भी चार्ज कर लिया, मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं था, पता नहीं हर बार चार्ज की प्रॉब्लम होता है। मैं अपना फ़ोन चार्ज कर लिया, वैसे घर जा रहा हूँ, देखता हूँ उसका रिएक्शन, देखता हूँ क्या। अब बताता हूँ किसके घर आया, मैं गोमू के घर पर आया, उसे पता ही नहीं मैं यहाँ पर आया। स्माइल क्यों दे रहे हो आप? अरे मैं उसको देख रही थी कपड़े पहने पे। हाँ नहीं क्या होता है? अरे ऐसा बता दिया क्या यार, हम 10 मिनट आते हैं, हम ऊपर चलते हैं। हाय, तो मैंने किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? क्या हो गया? क्यों डर गए? भूत हो ना कोई? यस मैम। कमी। हाँ भाई सब क्या चाहिए आपको? चाहिए क्या? अच्छा कोई दिक्कत नहीं थी, स्टाइल है वो। तुझे पता था मैं आने वाला हूँ? हाँ नहीं पता था? पता होता तो, मुझे पता होता तो मैं अच्छे से बैठती। तो बैठे कैसे? सिर पे पैर रख के सीधे से बैठी थी। डर गई थी। पता है मैं पहले से रेडी होके बैठती हूँ। हाँ। पहले साफ सफाई करके हैं। हाँ। लिपस्टिक लगा के हैं। लिपस्टिक होटलारी लगा के लाइनर लगा। हाँ डेविड आ रहा है। नहीं ऐसे तो मैंने कभी किया नहीं है वैसे, जो तो अब करूँगी। तो फिर क्यों पूछ रही है? शॉक तो बिल्कुल कैसा आ गया मुंह उठा का अचानक से? ओ इतने जोर से नहीं, मैं डर गए मगर मैं ऐसे बैठी थी। क्या आ गया? इंसान आ गया। जाने दिखा तुम हाथ हो तो भाई पगला आ गई वो लौंडिया। ये लौंडिया पगला आ गई कि क्या होगा इसके साथ अचानक से? अचानक से आओगे तो यही होगा। मैं बस जस्ट सोच रही थी, कॉल करने का, और इंसान सामने से आ जाए तो सोच क्या होगा। भूत हूँ मैं। ओ तो गाइस आप लोगों ने देखा कि इसकी बैंड बच गई। बैंड तो नहीं बजी, मीन्स की थोड़ी शॉक तो हो गई कि इसके साथ क्या हो गया, ये एक्सीडेंट पता नहीं कौन सा एक्सीडेंट हो गया। तो यही था सरप्राइज, एक छोटा सा। और पहला वाला सरप्राइज आप लोगों ने देख लिया होगा, सेकंड सरप्राइज था। पहला क्या सरप्राइज था वो वीडियो में देख लेना आप, मैं किसी को नहीं बताता। चलो यार मेरे साथ भीख मांगना थोड़ा सा, चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट कर देना वीडियो को, और अपना प्यार देना। जो कि नहीं देते आप। देते हैं बेटा, गलत बोलती है, इसने गलत बोला। अगर आप चाहो तो इसके खिलाफ आप कमेंट नीचे डाल सकते हो। मोमोडोरी में इज वेरी बेकार इंसान, बैन मोमोडोरी में। तो वैसे वीडियो यहीं तक था, और जो आने वाला वीडियो है ना उसको आप वेट करना, क्योंकि वो चैलेंज वीडियो होगा और इतना मजा आएगा ना आपको वीडियो देखे कि आप लोग खुद बखला जाओगे ये क्या होगा। तो अगर आपको वो अपडेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर। बने रहना हमारे ब्लॉग के साथ, आपको नई नई चीज़ें मिलती रहेंगी यहाँ पे। 99 नहीं चाहिए। चलो बाय बाय।